हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप देखेंगे कन्फर्मेशन ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन बाय कन्वर्टिंग लाइम वाटर इनटू मिल्की वाटर। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सैंपल से माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्लूकोज या सुक्रोज को एक्सेप्ट करते हुए कन्वर्जन करता है एथेनॉल और CO2 में, साथ ही कुछ मात्रा में एनर्जी भी लिबरेट होते हैं। अगर हम इस CO2 को कन्फर्म कर लें कि जो निकल रहा है गैस वो CO2 है, तो हम ये भी कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो दैट इज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके लिए हम लाइम वाटर को यूज़ करेंगे जो कि नॉर्मल कलरलेस से एक मिल्की वाइट या टर्बिड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क में 50 ml डिस्टिल वाटर लेंगे। डिस्टिल वाटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होते। अगर प्लेन वाटर यूज़ करते हैं तो इसे बॉईल करके ठंडा करके फिर हम इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें हम वे किया हुआ 5 ग्राम ग्लूकोज ट्रांसफ़र करते हैं। 5 ग्राम ग्लूकोज ट्रांसफ़र करने के बाद इस कोनिकल फ्लास्क को शेक करते हैं ताकि ग्लूकोज और डिस्टिल वाटर अच्छे से सोलबल हो सके। अब इसमें 1 ग्राम ईस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। ईस्ट को जब हम इस सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें ईस्ट अंदर मौजूद ग्लूकोज को यूज़ करते हुए एनर्जी और CO2 प्रोड्यूस करेगा। इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। एक कॉर्क जिसमें छेद है, इसमें एक ग्लास पाइप और एक प्लास्टिक की पाइप को कनेक्ट करके हम उसे एक ऐसे बीकर में डिप करते हैं जिसमें लाइम वाटर रखा हुआ है। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जिसमें कोई क्वांटिटी ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। आप इसे टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में आपको कम मात्रा में सॉल्यूशन लेने की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं कि हमने कोनिकल फ्लास्क के ऊपर एक कॉर्क लगाया हुआ है, तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो CO2 निकलेगा वो इस प्लास्टिक के पाइप से होता हुआ सीधे हमारे लाइम वाटर में एंटर करेगा। और जैसे ही हमारा CO2 लाइम वाटर में एंटर करेगा, एक बबल्स निकलेंगे और ये बबल्स हमारे कलरलेस लाइम वाटर को, जो कि अभी आप फिलहाल आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसे मिल्की वाइट में कन्वर्ट करेगा। आपने देखा बबल CO2 के इवोल्वेट हो रहे हैं, यही बबल धीरे से प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मिल्की वाइट में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे जूम किया है, आप देख सकते हैं कि वो कॉर्नर जिस पे प्लास्टिक का पाइप आपके लाइम वाटर से टच कर रहा है और जहाँ से बबल्स निकलते हुए दिख रहे हैं आपको, ये वो पोर्शन धीरे से मिल्की वाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा और अधिक मात्रा में CO2 लिबरेट होंगे, हमारा ये लाइम वाटर पूरी तरह से मिल्की वाइट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मिल्की वाइट ये शो करता है कि हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस से CO2 लिबरेट हो रहा है। CO2 लिबरेट होने के पीछे एक रिएक्शन इन्वॉल्व है जिसे आप इस स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं। 10 मिनट बाद आप जैसे ही इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि हमारा ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर अब पूरी तरह से मिल्की वाइट लाइम वाटर में कन्वर्ट हो गया है, पूरी तरह से सफ़ेद कलर में कन्वर्ट हो गया है, जो कि एक रिज़ल्ट है CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ लाइम वाटर की रिएक्शन का, जो ये कन्फर्म करता है कि हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और इससे CO2 निकला, उसने इसे कन्वर्ट कर दिया। आइए हम इसे ऑब्जर्व करके कंपेरेटिवली स्टडी कर लें कि ये क्या प्रोसेस था और शुरू और लास्ट में क्या रिज़ल्ट आए। हमने स्टार्टिंग में लाइम वाटर लिया था जो कि CO2 के प्रेजेंस में मिल्की वाइट कन्वर्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन आस्क MCQs।